जन की मैंने राज मस्तक लई धारू ना वो पड़ी मझधार में सुजय खींच लगयो पार। हाथ बंदो त्रिमूर्ति गेस्ट के माध्यम से हम गोपी चीर लीला कहने के लिए जा रहे हैं। सुनिए ये कहानी कहां से शुरू करते हम। कनक बनो मंदिर तेरो लाल ध्वजा फोराई मात सरस्वती कर कृपा सो हृदय में बैठो आई। एक दिना सखियों ने जुर के मन में कियो विचार बरदीना श्री राम ने सो जनकपुरी दरबार। एक दिन सखी सभी एकत्र हुई और कहने लगी आपस में बातचीत करने लगी श्याम सुंदर की कहानी को कहने लगी है। बहना अरे तुम्हें कुछ नहीं पता तुम तो भूल चुकी हैं। याद करो सुनो मैं तुम्हें त्रेता की कहानी बताती हूँ। तो कहने लगी तुम्हें पता है कि हाँ तो आज सब सखियों से किस प्रकार से और जो किरण सखी है कहने लगी है कि बहना सुनो मैं त्रेता की कहानी बता रही हूँ। के थी त्रेता की बात सखी सब साथ सिया के आई अरे मोहित सब सखियां भाई रे देखी रागोराई। ए सबके उर में काम समझ गए राम सभी चतुराई सभी चतुराई। सब पूरन इच्छा कर देंगो द्वापुर में प्यारी जाई। सब पूरन इच्छा कर देंगो द्वापुर में प्यारी जाई। अरे बहना हो त्रेता में जब भगवान श्री राम जी ने मिथिलापुर में जब धनुष को तोड़ा था तो हम सब जनकपुरी की रहने वाली थी और वहां सभी इकट्ठी हुई तो उस समय राम को देख करके और सभी के उर में काम पैदा हुआ और उस समय भगवान श्री राम ने सबकी इच्छा जान करके और वहां बरदीना था कि मैं द्वापुर में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आज वही दिन है बहना हम तुम सभी मिलकर के क्यों न जमुना पे चलें। तो बंधुओं आगे क्या हुआ है सुनिए। अरे श्री राम कृष्ण बन आए अरे श्री राम कृष्ण बन आए आए के ब्रज में शोर मचाए। कहने लगे अरे बहना जो ये कृष्ण हैं अरे वही राम हैं जो हमसे वायदा किया था। चलो आज देखेंगे उनकी चतुराई कैसी है और क्या। अरे हिल मिल चलो सखी सब सियानी ए हिल मिल चलो सखी सब सियानी दर्शन पाई होगी मनमानी। इधर जो इतने वचन सुने हैं बंधुओं सखिया सब सहने लगी हैं। बोली आज मोख पर पायो है आज देखेंगे हम कन्हैया को क्या। अरे सुन के सखी भई तैयार के नहावे जमुना पे जामे मिल के सखी भई तैयार नहावे जमुना पेरी जामे। सखी भई तैयार के नहावे जमुना पेरी जामे। आज मेरे नौजवानों इधर गोपी सभी एकत्र होकर के और जमुना पे स्नान करने के लिए जा रही हैं और इधर में देखिए हुआ क्या है।
आरे सजवज गोपी चल रही रे के टोली अजब बनाई। इधर में क्या हुआ भैया? आहा मेरे भैया रे, ओहो मेरे वीरन रे, बांके बिहारी तोनो आए गए गे, जे तो चढ़े कदम की डार। मेरे भैया रे मुरली धर तोनो आए गए गे, इधर मेरे नौजवानों, सखियां सब मिलकर के जमुना तट पर पहुंच जाती हैं, अपने अपने वस्त्र उतार के उन्होंने पार पे रख दिए और जमुना जल में घुस जाती हैं, स्नान करने लगी हैं। इधर में मुरलीधर कन्हैया क्या करते हैं कि छुप करके और कदम पे आ बैठे हैं और देख रहे हैं क्या हुआ है। अरे जमुना तट पे छाई बहार, गोपी घुस गई फरियाग उतार, लखे मुरारी घी ऊपर बट पर तीर निहारी है, जमुना तट पर लखे मुरारी गे ऊपरी बट पर तीर निहारी है, जमुना तट पर। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और गोपियों के स्नान को निहार रहे हैं। इधर में वस्त्र रखे हुए पार पे, आहा हुआ क्या है मेरे नौजवानों? नहाती हिल मिल के गोपी सुधी तन मन की सबने बिसारी, तन मन की सबने बिसारी। करती है आपस में बतिया, कुछ हस्ती है दे दे के ताली, करती है आपस में बतिया, कुछ हस्ती है दे दे के ताली। अरे सुधी भूली अनमोली ब्रह की मारी है, ऊपर बट पर तीर निहारी है, जमुना तट पर। अरे जमुना तट पे छाई बहार, घुस गई फरियाई उतार,
तट पर नहा रही हैं और बातचीत करती हैं और एक दूसरे से कहने लगी हैं कि अरे बहना सबती वो मन मस्तानी एक दूजी पे उछलाती पानी उछलाती पानी थी प्रीति इनकी पुरानी श्याम सुंदर की कहती कहानी थी प्रीति इनकी पुरानी श्याम सुंदर की कहती कहानी हंस हंस के रंग बरसे लगन ये प्यारी है ऊपर बट पर तीर निहारी है यमुना तट पर लखे मुरारी है ऊपर बट पर तीर निहारी है यमुना तट पर इधर में पानी उछला उछला करके नहा रही हैं गोता लगाती हैं तभी श्याम सुंदर ने मौका पा लिया और क्या हुआ छुप छुप के वो धीरे से आया मौका कन्हैया ने पाया छुप छुप के धीरे से आया चिर सखियों का झट से चुराया बट पे जाके हो उनने दुकाया से चुराया पट पे जा करके उनने दुकाया मनहर साई मुरली बजाए बाके बिहारी ही यमुना तट पर तीर निहारी ही यमुना तट पर लखे मुरारी ही ऊपर बट पर तीर निहारी ही यमुना तट पर इधर मेरे नौजवानों भगवान आज कदम से नीचे उतर के और गोपियों को चीर को चुरा लेते हैं और उसी कदम पे चढ़ जाते हैं इधर में जो गोता मार के गोपी उछरी हैं जमुना तट पे देखा है पार पे जब वस्त्र नजर नहीं आए तो क्या हुआ है एक सखी कहने लगी कहां गए अपने चीर सखियां सब देखने लगी सो मन में भई अधीर आज सखी सब देखने लगी अरे बहना ये क्या हुआ ये तो गजब हो गया अब तो हम पे कोई वस्त्र भी नहीं
जो कि बाहर निकले क्या होगा, आप उसमें बातचीत कर रही हैं और क्या कहने लगी हैं। अरे ये तो तरही निहार न पायो पार बिकल भई मन में, को ले गयो चीर चुराई री जा दोहरे दोपहर दिन में, को ले गयो चीर चुराई री जा दोहरे दोपहर दिन में। होती तो भी कुछ ऐसा था कि कोई ले गया, लेकिन अब ए छुपे कहां यसमान निगल गयो भान घुसे का थल में, घुसे का थल में। सब सखियां ढूंढन लगी रे जा जमुना जी के जल में, सब सखियां ढूंढन लगी रे जा जमुना जी के जल में। सभी विचलित हो रही हैं और कभी जल में देखती हैं कोई शायद हवा से झोंका से कहीं जैसा तो नहीं कि जल में वस्त्र हमारे आगे हों, देखने लगी इधर उधर को, लेकिन तीर कहीं नजर नहीं आते हैं। बंधुओं इधर में क्या हुआ, अरे सब चक्कर में पड़े जाती, अरे अखियों से नीर बहाती, अरे जल से बाहर नहीं आती, अरे जल से बाहर नहीं आती, जाड़े में वो सुपर सब जाती। इधर बंधुओं ठंड लगने लगी है और इधर दिल छिपने को जा रहा है, सखियां आपस में कहने लगी बहना अब क्या होगा, इधर में क्या हुआ, अरे मुरलीधर भगवान ने अब माया दई फैलाई, मधुर बजाई। आज बंधुओं सखियां इधर उधर देखने लगी हैं, इधर भगवान मुस्कुरा के मुरली को बजाने लगे हैं, जो ही मुरली की घोर सुनी आए है हुआ क्या है, महाराज के धुन सुन गोपी गई शरमाई, अरे झालो देख के कृष्ण चंद को हेला रही लगाए, ओ मुरली के बजैया श्याम सखी चोरे में लुट गई है, ओ मुरली के बजैया श्याम सखी चोरे में लुट गई है। सखी चोरे में लुट गई है, इधर में सखी कहने लगी अरे ओ कन्हैया भगवान कुछ नहीं सुनते हैं, गोपी आवाज लगाने लगी हैं, भगवान एकटक देखने लगे हैं, बोले अरे कन्हैया हमारी सुनो, हम या यमुना में स्नान कर रही और हमारे कोई चीर ने चुरा लेगो। कन्हैया ने कोई नहीं सुनी, क्या कहा तो क्या कहने लगे हैं बंधुओं,
अरे कहन लगे घन श्याम ले ओ दिल थाम पास मेरे आओ। अरे को ले गो चीर चुराई रीन कहम को तुम समझाओ। आज सखी सब कहने लगी हो कन्हैया हमारे चीरे कोई चुरा ले गए हो। भगवान कहने लगे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे पास आओ निकल के और मुझसे कहो तुम्हारे चीर कौन है चुराए। अरे कहने लगे घन श्याम ले ओ दिल थाम पास मेरे आओ, पास मेरे आओ। कोले गो चीर चुराई रीन कहम को भेद बताओ, कोले गो चीर चुराई रीन कहम को भेद बताओ। सखी कहने लगी तुझे नहीं पता? हाँ, अरे हमको कुछ नहीं पता, मेरे पास आके मुझे बताइए तुम्हारा चीर कैसे चोरी गया। ए सुने कृष्ण के बहन सुरख बहने क्रोध तन छाए, क्रोध तन छाए। तू काय को रह बकाई रे कहते नहीं चीर चुराए, तू काय को रह बकाई रे देखते नहीं चीर चुराए। गोपी कहने लगी अरे कन्हैया हमें क्या को पागल बना रहो, अरे तेरे सिवा हमारे वस्त्रों को कोई नहीं चुरा सकता है। नहीं नहीं गोपी, अरे हमने चीर नहीं चुराया। आज सभी गोपी हाथ जोड़ के कन्हैया से कहने लगी हैं, अरे चीर हमारो दे दे जसुदा के छैया, चीर हमारो दे दे जसुदा के छैया। बीते घड़ी रे घड़ी जल में नगन खड़ी हमें जाना है चीर हमारो दे दे जसुदा के छैया। भगवान कहने लगे तुम आओ तो सही जल से बाहर और हमें एक एक करके समझाओ। गोपी कहने लगी ओ कन्हैया काय को पागल बना रहे हो, अरे कैसे बाहर आमी काना सुन ले ओ बात हमारी। बाहर आमी काना सुन ले ओ बात हमारी। वस्त्र हमारे तन पे नाही क्यों करवावे क्वारी। वस्त्र हमारे तन पे नाही क्यों करवावे ख्वारी। वस्त्रहीन हम जल में ठाड़ी, वस्त्रहीन हम जल में ठाड़ी। कुछ तो करो बिचारी रे हट छोड़ो बल दाऊ जी के भैया, हट छोड़ो बल दाऊ जी के भैया। बीते घड़ी रे घड़ी जल में नगिन खड़ी हमें जाना है चीर हमारो दे दे जसोदा के छैया। कन्हैया
अरे हमारे चीर को हमें दे दो, अरे काय को हमें सता रहे हो, हम जलमाज उघारी खड़ी हैं, हमारे वस्त्र पे कपड़ा नहीं है। इधर बंधुओं और क्या कहने लगी हैं? देर यहाँ पर होई सामुरी सासुलेरारो मचाई हो, देर यहाँ पर होई सामुरी सासुलेरारो मचाई हो, खबर न दिया पेपरी जावे देगी शोर मचाई हो, कहने लगी हो कन्हैया अरे खबर न दिया पेपरी जावे देगी शोर मचाई हो, जो कोई कही दे परसानी में, जो कोई कही दे परसानी में हो जाएगी तकरारी रे, अरे क्यों करवावे काना मिले के धमैया, क्यों करवावे काना मिलके धमैया, बीते घड़ी घड़ी जल में नगिन खड़ी हमें जाना ही जाना ही। और कहने लगी है श्याम सुंदर हमारे बदन पे कपड़ा नहीं है, अरे जो कोई यह खबर कर देगा बरसाने में तो हमारे फजे तो हो जाएंगे, अरे कन्हैया दे दो ना हमारे चीर को। और क्या, अरे उतर के आबो वस्त्र गहाओ हम जलो माज उघारी, उतर के आओ वस्त्र गहाओ हम जलो माज उघारी, दिखे बदन शरम कछु आबे हम कही कही के हारी, दिखे बदन शरम कछु आबे हम कही कही के हारी, विनती करे तुम तेरे सुन लीजे, विनती करे हम तेरे सुन लीजे, हो गई हम लाचार रे, आहा खाई पड़ी तेरी पैया, आहा खाई पड़ी तेरी पैया, बीते घड़ी घड़ी जल में नगिन खड़ी हमें जाना है जाना है। अरे तीर हमारो दे दे जसोदा के छैया, तीर हमारो दे दे जसोदा के छैया, बीते घड़ी घड़ी जल में नगिन खड़ी हमें जाना है जाना है, तीर हमारो दे दे
से सखियां लाचार हो रही हैं और कहने लगी, अरे कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दे, हम इस समय जल में बिल्कुल नगिन खड़ी हुई हैं। तो उधर क्या हुआ बंधु, मुस्काए करे जी श्याम तब और कहने लगे, हैं बेन हम हैं अपनी तान में सो क्यों मटका वो नैन। इधर में बंधु भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे गोपिका मुझे क्यों अरे दोषी ठहराती हो, क्या मैंने ही तुम्हारे चीर को चुराया? गोपी कहने लगी, कन्हैया तेरे सिवा और कोई नहीं चुरा सकता, अरे हमारे वस्त्रों को दे दो। इधर में क्या कहने लगे भगवान श्याम सुंदर, प्यारी गोपियों अरे क्यों मटकावो नैन, मान लो कहने लगावो चोरी, हरे हम गयन के ग्वालरी के तुम हो चंचल छोरी। अरे हम गयन के ग्वालरी के तुम हो चंचल छोरी, और क्या कहने लगी अरे गोपिका, ए जमुना से भग जाओ कहूं समझाए, नहाए रही नंगी मैंने सब कुछ लीनो जानरी के प्यारे घर पे तंगी, मैंने सब कुछ लीनो जानरी है प्यारे घर पे तंगी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे गोपिका मुझे दोष लगाती हो, अरे मैं मुझे मालूम ऐसा पड़ता है कि तुम्हारे घर पे तंगी है, और अरे तुम घर ही वस्त्र अपने भूल आई, मुझे चोरी लगा रही हो। अरे नहीं कन्हैया हम तुझे चोरी नहीं लगा रहे, हमारे वस्त्रों को दे दो। और क्या हुआ भैया, अरे सब ये ही काम जरा सा, अरे बस ये ही काम जरा सा, अरे बस यही काम जरा सा, और ना चले तुम्हारो फांसा, अरे करी राखो या जो तमाशा तमाशा गजब हो तमाशा, और यहाँ वरुण देव करी बासा, नहीं लगाए समझ मेरी एक नहीं आवे, वो कुछ चोरी रही है लगाए समझ मेरी एक नहीं आवे। कहने लगे श्याम सुंदर, अरे गोपियों मैंने तुम्हारे चीर को नहीं चुराया, मुझे क्यों चोरी लगा रही हो? अरे एक नहीं आवे समझ मेरी एक नहीं आवे, मोकू चोरी रही लगाए समझ मेरी एक नहीं आवे। कहने लगे श्याम सुंदर, अरे गोपियों मुझे वैसे ही दोष लगाती हो, अरे मैंने तुम्हारे चीर को नहीं चुराया। और क्या कहने लगे गोपियों सुनो, तुम घर को भागी जाओरी हम मति हम तेरारी मचाबो, तुम घर को भागी जाओरी मति हम से रारी मचाबो, ना हमने चोरी करी री ना कमी दोष लगावो, और क्या कहने लगे अरे गोपियो, महाराज श्याम यो सबको रहे समझाई, अरे निर्दोषी को आज देख तुम चोरी रही लगाए,
कहत शरम नहीं आए के नाहक चोरी मोए लगावो तुमको कहत शरम नहीं आए कहने लगे भगवान श्याम सुंदर अरे गोपियों तुम्हें कहने में शर्मानी चाहिए मैं तुम्हारे चीर को क्यों चुराने लगा। गोपी कहने लगी कन्हैया तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। और क्या हुआ भैया? हट ठानो मानो नहीं और विनती हो नादान अरे चीर तुम्हारो नालियो सो सुनो लगा कर ध्यान। अरे गोपियों मैंने तुम्हारे चीर को नहीं लिया। उस समय गोपी कहने लगी ओ कन्हैया अरे चीर गहा दे हमरा हो चीर गहा दे हमरा गिरिबर धारी बांके बिहारी ओ कृष्ण मुरारी बांके बिहारी ओ कृष्ण मुरारी चीर गहा दो हमरा हो चीर गहा दो हमरा गिरिबर धारी बांके बिहारी ओ और कहने लगी अरे कन्हैया कुछ तो तरस कीजिए हमारे ऊपर। क्यों? अरे जो सोने पावे काना बल मो हमारे जो सुन पावे काना बल मो हमारे जो सुन पावे काना बल मो हमारे होंगी फजियते देखी घरों पे हमारे फजीयते देखी घरों पे हमारी। और क्या? ननदी उड़ावे घर घर हो 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 ननदी उड़ावे घर घर हसी तो हमारी बांके बिहारी ओ गिरिबर धारी हमरा गिरिबर धारी बांके बिहारी ओ कृष्ण मुरारी और क्या कहने लगी अरे कन्हैया जोड़े हाथ लगे त्यार पैया जोड़े हाथ लगे त्यार पैया जोड़े हाथ लगे त्यार पैया दे दे करे मत नैया अरदियो करती काना अरदियो करती काना दासी तुम्हारी
बाके बिहारियो कृष्ण मुरारी, बाके बिहारियो कृष्ण मुरारी। और क्या भैया, जो काना नहीं चीर गहावे, जो काना नहीं चीर गहावे, नंद बाबा से सब हालो सुनामी। अरे कन्हैया, यदि हमारे चीर को नहीं तुम दोगे तो अभी हम नंद बाबा से जाकर के पूरा हाल तुम्हारा कह देंगे। और सुनो, नंद बाबा से जाके हाल सुनामी। मारेगी मैया त्यारी, अरे कन्हैया, मारेगी मैया त्यारी, होंगी देखी ख्वारी, बांके बिहारियो कृष्ण मुरारी, बांके बिहारियो कृष्ण मुरारी। से बंधु आज विनय करने लगे हैं। गोपिका कहने लगी, अरे कन्हैया, यदि हमारे चीर को तुम नहीं दोगे तो अभी हम जाकर के नंद बाबा से मैया यशोदा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया कहने लगे, इसकी धौंस दिखाती हो और क्या। तरस खाई घनश्याम ने और दीने चीर बताई। अरे सखियो, आओ इधर मेरे पास तो आओ। ना ना कन्हैया, हम तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं। तरस खाई घन श्याम ने दीने चीर बताई, डाल डाल पे श्याम ने सुदय चीर लटकाई। इधर मेरे नौजवानों, भगवान श्याम सुंदर ने जब ज्यादा लाचार देखा है तो जितनी सखियां थी सबके चीर को चुरा लिया और डाल डाल पे उन्होंने लटका दिया और कहने लगे, लो देख लो ये। और क्या, जो ही चीर को देखा है सखियां कहने लगी, वाह धन्य है कन्हैया। अरे छलिया नंद की सोल, असल तू चोर बने तू साई, अरे तेने कोतक ऐसो कर दो वेरे के तक ही ना जाई। हमने तो पहले ही जान लिया था के सिवा तेरे हमारे चीर को कोई नहीं चुरा सकता और तू साई बनता है। ओ छलिया नंद किशोर, ये सर तू चोर बने तू साई, बने तू साई, तने को तक ऐसो कर दो वेरे के तक कहीं ना जाई। तने को तक ऐसो कर दो वेरे के तक कहीं ना जाई। और कहने लगी, ओ कन्हैया, तूने जैसा किया तुझे वैसा ही फल मिलना चाहिए, देख सुन। और कहे कंस से जाए अभी समझाए, कथा सब तेरी, कथा सब तेरी,
कोई पकड़ ले गो मंगवाई न करे रे तनकिया वारी। कहने लगी कन्हैया ले अभी हम जा करके और कंस राजा से शिकायत तेरी करते हैं और वो तुझे वहीं पकड़ के बुलवा लेगा जब तो मैं मार लगेगी। जब इतने वचन सुने हैं बंधु कन्हैया हंसने लगे हैं बोले अरे गोपियों सुनो अरे सुन के कृष्ण बहुत तेरी से खाई अरे सुन के कृष्ण बहुत तेरे से खाई अरे क्यों रही हो जीव चलाई मथुरा में तुम देव भिजवाई। अरे गोपियों क्यों रुकी हुई हो जाओ खबर करवा दो मथुरा में खबर देव करवाई रस में क्यों रही विष भुलवाई रस में क्यों रही विष भुलवाई अरे क्यों रस में विष घुस भुलवाती हो अरे गोपियो उस कंस की मुझे ध्वस दिखाती हो। सुनो कहने लगे हैं श्याम सुंदर कंस खसम की धौंस दिखावे क्यों नहीं निकरी पार पे आवे सबरी नारी खट्टी होकर अपना चीर आप ले जावे कहने लगे कन्हैया अरे गोपियो मुझे वैसे ही दोष लगा रही हो अरे तुम पार पे निकल आओ अपने अपने वस्त्र छांट ले जाओ और क्या अरे कंस खसम की धौंस दिखामी अरे क्यों ना निकरी पार पे आवे हो सवरी नारी खट्टी हो कर अपना चीर आप ले जावे गोपी कहने लगी अरे कन्हैया तुम बैरागिन हम ब्रह्मचारी फिर काए की शर्म करो अरे गोपिया भस्म लगा कर सूर्य देव का ध्यान धरो जमुना जी की भस्म लगा कर सूर्य देव का ध्यान धरो और अरे भजन करो तो मुक्ति पावो अरे नहीं तो नरक बीच पछतावो ओ सबरी नारी खट्टी हो कर अपना चीर आप ले जावो गोपी कहने लगी ओ कन्हैया हमारे चीर को हमें दे दे और हम पार पे निकल आएंगे लेकिन हम पे वस्त्र नहीं है हम कैसे जब जल से बाहर निकल सकती हैं और क्या भगवान कहने लगे गोपियों नहीं सकुचाबो मन अपने में मानो कहने हमारी है
क्या? अरे पहली बात सभी बिसरावो और जल की महिमा के गुण गावो, सबरी नारी खट्टी होकर अपना चीरा आप ले जावो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों जो तुमने आज ये गलती की है, आइंदा ये गलती फिर कभी मत करना। क्यों? मैंने तुम्हें ये चेतावनी दी है कि जल में किसी भी स्त्री को कभी नग्न नहीं नहाना चाहिए। क्यों? कि इसमें वरुण देव का जल में वासा रहता है। इसलिए जो इतने वचन सुने हैं, गोपी कहने लगी, ओ कन्हैया काय को बहकारो हमें, अरे एक तो हमें नाश न चाहता दूसरे से और इठलाता है। और क्या हुआ बंधुओं? इतनी कह के कृष्ण चंद ने मुरली तुरंत बजाई है। इतनी कह के मुरली धर ने और बंसी तुरंत बजाई है। जितने ग्वाल हाथी मधुवन में वहां पर गए सब आई है। और क्या कहने लगे हैं? अरे तुम गोपिन की हंसी उड़ावो, हाँ जमुना तट पे नाच नचावो, सबरी नारी खट्टी होकर अपना तीर आप ले जावो। आज बंधुओं इस प्रकार से कहने लगे कन्हैया, इधर गोपी कहने लगी, ओ कन्हैया अरे इस कदम से नीचे उतर और हमारे चीर को हमें वापस दे दे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, न तुम जल से बाहर आ जा और ले जाओ अपने वस्त्रों को। अरे करे जा मेरे खटकी कन्हैया तेरी बोली, कन्हैया तेरी बोली, कन्हैया तेरी बोली, कले जा मेरे खटकी काना तेरी बोली। और क्या? अरे तुम तो बैठे कदम की डाली, तुम तो बैठे कदम की डाली और समझे हमको भोली भाली, समझे हमको भोली भाली, ना जाने हमारे घट की कन्हैया तेरी बोली। करे जा हमारे घट की ओ काना तेरी बोली। और क्या? अरे क्यों इतना हमको डर पावे, हर क्यों इतना हमको डर पावे और पर नारी को मजा चखावे, हाँ पर नारी को मजा चखावे। देख पेज छोड़ दे हाट की कन्हैया तेरी बोली, देख पेज छोड़ दे हाट की कन्हैया तेरी बोली, करे जा मेरे खट की काना तेरी बोली। और क्या? अरे गोपी हाहाकार मचामी, गोपी हाहाकार मचामी, अरे क्यों नहीं तरस हमारो आवे, क्यों नहीं तरस हमारो आवे, नहीं है जय खटका खट की कन्हैया तेरी बोली, करे जा हमारे खट की ओ काना तेरी बोली।
भगवान कहने लगे, अरे अब क्यों ये बातें बनाती हो, अपने चीर को ले जाइए। इधर बंधुओं क्या हुआ है? चीर दयो ना कृष्ण ने होती बड़ी निराश, आप उसमें कर रही सलाह, चलो कृष्ण के पास। सब गोपी कहने लगी, अरे बहना हो या छलिया की बातन में काय को आ रही हो, ये ना मानेगो, चलो हम स्वयं ही चल के और चीर को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी देर हो रही है। अरे घर जाएंगे तो आज सवन में लड़ाई होगी, बाकी एक न रहेगी। क्या हुआ बंधुओं? अरे हो कर अत्याधीन सखी, और सब जल से बाहरो चल दीनी, और यो पाई भयो न कोई, तो योट भोजन की कर लीनी। और क्या भैया? अरे देख दुखी सखिया सवरी, और श्याम ने चीर गहायो है। आज बंधु सभी गोप का और जमुना जी की पार पे आ जाती हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर एक एक करके सबको चीर दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चेतावनी दिलाई थी मेरे नौजवानों। अरे देख दुखी सखिया सवरी, और श्याम ने चीर गहायो है, और अपने अपने वस्त्र लिए तब सबको हियो हरसायो है। और क्या? अरे गोपियों लो एक बात मैं तुमसे कह रहा हूं, उसे बड़े ध्यान से सुनना। अरे एक बात मैं कहूं सखी, सब रखियो याद अपनी मन में, और एक बात मैं कहूं सखी, सब रखियो याद अपनी मन में, और शरद रैन के मध्य करूंगो लीला निज वृंदावन में। आज बंधु उन्होंने कहा कि एक बात मैं कहूं सखी, रखियो याद अपने मन में, अरे सर्द रहन के मध्य करूंगो लीला निज वृंदावन में। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने आज सबके चीर दे दिए। और क्या हुआ है? अरे सुने कृष्ण के बेन पलो युर चैन मगन भई भारी, अरे चरणों में शीश नवाई रही कहिए ओचारी। अब करे शिकायत जाई रे, तेरे कर दई बहुते ख्वारी, अरे कर दई बहुते ख्वारी कन्हैया, कर दई बहुते ख्वारी, अब करे शिकायत जाई रे, तेरे कर दई बहुते ख्वारी। सखियां वहां से धाई, अरे सब सखियां वहां से धाई, और अब तो निज निज गृह को आई,
भगवान श्याम सुंदर सबके चीर दे देते हैं। सखियां अपने अपने घर को चल देती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।